नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि हम कुंडली में के जो 12 घर होते हैं वो हमको दिशाएं भी बताते हैं। हम कुंडली के इन घरों को देखकर ये भी बता सकते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा क्या सामान रखा है आपके घर का। ये जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बहुत डीपली बातें हैं कि हम कुंडली को देख कर ये बता सकते हैं कि आपके घर में कौन क्या कहाँ चीज़ें रखी हैं और किस अगर वो स्थिति ठीक हैं कि सही ख़राब हैं गलत हैं, ये सब हम देख सकते हैं और बता भी सकते हैं आपको। तो आप चलते हैं कुंडली में, कुंडली की तरफ, और हम देखते हैं कि कुंडली की दिशा में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कुंडली बनाई है, यहाँ पर देखिए कुंडली बनी है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, एक से ले कर पूरे 12 घर दिखाए हैं। तो पहला घर जो हमारा दिशा होता है वो होता है पूर्व का, दूसरा घर होता है हमारा दिशा दिखाता है उत्तर पूर्व दिशा, तीसरा घर हमें दिखाता है दक्षिण की दिशा, चौथा घर दिखाता है उत्तर पूर्व, पांचवा पूर्व दिशा दिखाता है, छठा उत्तर दिशा दिखाता है, सातवां दक्षिण पूर्व दिशा दिखाता है, आठवां दक्षिण दिशा, नवा भी हमारे केंद्र दिशा दिखाता है, दसवां दक्षिण, ग्यारह पश्चिम दिशा, और बारहवां दक्षिण पूर्व दिशा दिखाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये घर, पहला घर हमारी पूर्व दिशा है और दूसरा है हमारा दक्षिण दक्षिण दिशा, तीसरा है, चौथा घर हमारा उत्तर पूर्व दिशा, और दसवां घर हमारा दक्षिण दिशा है। ये सब स्थितियों को हम देख के हम घर की दिशा बता सकते हैं कि इस घर में, आपके घर में ये सामान का। जैसे कि पहला घर आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, पहला घर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी कदकाठी, ये सब चीज़ दिमाग की स्थिति जाता है, तो ये पूर्व दिशा होती है जो हमारी, और ये समझिए ये पहला घर पूर्व, तो सूरज कहाँ दिखता होता है हमारा पश्चिम में दक्षिण पूर्व, तो ये हिसाब से दक्षिण पूर्व पड़ जाता है। तो हम यहाँ पर देखिए, पहले घर का मालिक हमारा मंगल होता है, दूसरे घर का मालिक हमारा बृहस्पति होता है और शुक्र भी होता है, तीसरे घर का मालिक हमारा बुध होता है, चौथे घर का मालिक हमारा चंद्रमा होता है, पांचवें घर का मालिक हमारा सूर्य होता है, छठे घर का मालिक बुध होता है, सातवें घर का मालिक शुक्र होता है, आठवें घर का मालिक मंगल और या शनि होता है, नवें घर का फिर जुपिटर होता है, दसवें का घर का शनि होता है, ग्यारहवें का भी शनि होता है, बारहवें का राहु बृहस्पति होता है, या राहु भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो अब हम जैसे देखते हैं, आप अपनी कुंडली से देखिए, अगर यहाँ पे जैसे मैंने कुछ बताया, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपके कुछ अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो ये आपको अच्छा फर्क दिखाएंगे। अगर दूसरे घर में देखिए, उत्तर पूर्व आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिखाया था, ये दूसरा घर सेकंड, यहाँ धन की स्थिति देखिए, अगर उत्तर पूर्व में इनके कोई अपोजिट प्लैनेट बैठे होंगे तो वो आपको उस डायरेक्शन से आपको सही चीज़ नहीं मिल रही होगी। अगर मैं दोस्तों ये है तो मैं आपने कुंडली के बारे में बताया आपको, दिशाओं के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ पसंद करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।